लुधियाना के विच एक्ट्रेस अते मॉडल नेहा मलिक पहुंची ने एस एस रॉयल जिम के विच पहुंच के जिते उन्होंने नौजवानों को उत्साहित किया तो उत्थे ही जिहड़े आ मुकाबले भी करवाए गए ने जिहड़े कॉम्पीटिशन हंट जिहड़े ने वह करवाए गए ने। इस दे नाल नाल जिहड़े नौजवान जिहड़े चंगे मुकाबले देंगे जिहड़ा वधिया प्रदर्शन करनगे उन्होंने फिल्मों के जिहड़ा हिस्सा दिता जाएगा ताकि वह जिहड़ा अपना वधिया जिहड़ा गुजारा कर सकन इस दे नाल नाल अपना जिहड़ा प्रदर्शन अपनी कला का वह दिखा सकन। तो यह कहा जा सकता है कि नौजवानों उत्साहित करन दे मकसद दे नाल जिहड़ा एस एस रॉयल जिम ने ये बीड़ा चुकया है तो इस दे नाल नाल अज इस जिम दे विच जिहड़ा नेहा मलिक एक्ट्रेस जिहड़े वह पहुंचे ने उन्होंने पत्रकारों नाल गलबात भी की है वह भी सुनावांगे कि आखिर उन्होंने की कहा। इस तो अलावा गल करिए एक चंगा उपराला किया जा सकता है क्योंकि लगातार पंजाब की जिहड़ी नौजवान पीढ़ी है या तो नशे वाल जा रही है या विदेशों वाल रुख कर रही है तो ये इस मकसद के नाल जुड़न के लिए जिहड़ा एस एस रॉयल जिम ने चंगा उपराला किया है तो नौजवान जिहड़े अपनी बॉडी अते हेल्थ नूं जिहड़ा चंगा रख सकते हैं उन्होंने इस जिम के जरिए जिहड़ा उन्होंने कॉम्पीटिशन मुकाबले करवाए जा रहे हैं तो इस दे नाल नाल उन्होंने फिल्मों के भी जिहड़ा भाग लैण का मौका दिता जाएगा जिहड़े कॉम्पीटिशन के वधिया प्रदर्शन करनगे। लुधियाना तो रजिंदर अरोड़ा हॉट न्यूज़ इंडिया। So guys, this is Neha Malik और आज मैं आई हूँ लुधियाना SS Royal Gym में और जिम बहुत अच्छा है मेरे पूरा जिम देखना है जाकर वर्कआउट करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने ऐसे कपड़े पहने आप देख सकते हो और जितने भी लोग लुधियाना के हैं या पंजाब के हैं मैं चाहती हूँ कि वो एक बार जिम जरूर आओ और वर्कआउट करो और देखो कि कैसा जिम है। बहुत ही प्यारा जिम बनाया है बहुत अच्छे मशीनें बहुत अच्छी लगी हैं यहाँ पे जैसे मुंबई में होता वैसा ही जिम है तो जितने भी लुधियाना वाले प्लीज जिम में एक बार वर्कआउट जरूर। Okay, hello, hello to everyone. Thank you for inviting me and I am so happy to be a part of this event and I'm looking to meet all the contestants and all the best because ये एक journey है जहाँ से आपकी एक modeling journey start होती है तो जितने भी contestants चाहते हैं कि वो model बने life में कुछ करें अपना नाम बनाएं तो ये आपका पहला पड़ाव है जिसके बाद आप लाइफ में आगे कुछ कर पाएंगे आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली मॉडल बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं। तो बस अपना बेस्ट दो और फिर देखो आगे आपकी लाइफ में क्या क्या होता है। तो मैं जो भी मॉडल बनना चाहता है तो जो मॉडल्स जो होते हैं ना उनको ये नहीं रहता कि वो अपनी रियल लाइफ में कैसे दिखे उनका मेन काम रहता है कि वो कैमरे पर कैसे दिखते हैं और कैमरे पे क्या होता है ना जब भी हम जितना भी वर्कआउट करें कुछ भी करें 2 किलो वजन ज़्यादा दिखता है तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए क्योंकि मॉडलिंग में जो कपड़े बनते हैं ना एक मॉडल का एक फिगर होता है उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े बनते हैं। आजकल वैसे प्लस साइज़ भी आ चुका है बट ये आप पे डिपेंड करता है कि आप प्लस साइज़ मॉडल बनना चाहते हैं या फिर आप एक नॉर्मल मॉडल बनना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी फिटनेस के लिए मुझे ये लगता है कि आपको आपका वेट बढ़ रहा है या वेट कम हो रहा है फिटनेस इज़ ऑल अबाउट हाउ हेल्दी यू आर। इफ़ यू आर हेल्दी देन यू विल डू योर वर्क प्रॉपरली इफ़ यू आर नॉट हेल्दी देन नो मैटर कि आप कोई भी साइज़ के हो आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आपको आपका एक अपीयरेंस के लिए आपको फिटनेस जरूर जाना मैं कि करना चाहिए जिम जाना चाहिए। एनी पर्टिकुलर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे वॉक के लिए मॉडल्स को जो वॉक के लिए या जस्ट बी कॉन्फिडेंट That's the only word I tell to everyone. आप कहीं भी जाओ It's not about modeling, it's not about acting, it's not about anything. It's all about how confident you are. Like I'm also fumbling right now, which is not good. So मुझे लगता है जितने आप confident हो गए उतनी आपकी walk अच्छी होगी उतना आप अपने आप को अपनी personality आप दिखा पाओगे कि आप कैसे हो। मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं खुद एक बहुत छोटी जगह से बिलोंग करती हूँ हरदा मध्य प्रदेश से शायद मैं नाम भी नहीं सुना होगा इससे भी बहुत छोटा लुधियाना तो फिर भी बहुत बड़ा है। मैं बहुत छोटी जगह से आई हूँ और मेरी जर्नी मुझे पता है कि मुझे किसी ने सपोर्ट किया और नहीं किया बट मेरी मॉम है उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है और बाहर के लोग क्या बोलते हैं बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप में कुछ ऐसी खासियत है कि आपको लगता है कि आप एक्टिंग में या मॉडलिंग में कुछ कर सकते हो अगर आपको अपने ऊपर थोड़ा सा भी 1% भी अगर ट्रस्ट है तो उस ट्रस्ट के कारण एक बार जरूर ट्राई करो। और लोगों क्या है लोग तो कुछ भी कहते हैं लोगों की नहीं सुनो जब आप बन जाओगे ना तो वही लोग आपसे यहाँ पे लाइन में खड़े होकर आपसे ऑटोग्राफ भी लेंगे आपके सेल्फी भी खिंचवाएंगे क्योंकि मेरे साथ ही हो चुका है। मेरे बहुत से रिलेटिव्स थे
जो लोग नहीं चाहते थे कि मैं इस लाइन में जाऊं, ये लाइन अच्छी नहीं है, जैसे कहा है जेंडर का होता है, लड़कियों को घर पे बैठना चाहिए, लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, बट आज के टाइम में आप कितनी मूवीज़ देखो, बॉलीवुड में देखो, इतनी सारी मूवीज़ लड़कियों के दम पे चलती हैं, तो लड़कियां आज के लड़कों से बिल्कुल भी कम नहीं है, लड़कियां लड़कों से कंधे बल्कि उनसे आगे निकल चुकी हैं, तो वो लड़का लड़की वाली बात तो बहुत जन्म पुरानी हो चुकी है, अब वो टाइम रहा नहीं है कि लड़कियां किसी भी चीज़ में कम है, मुझे लगता है लड़कियां लड़कों से बहुत ज़्यादा आगे। आपकी लाइफ की स्ट्रगल हम जानना चाहेंगे मैम, किस तरीके से शुरुआत हुई, क्या क्या उतार चढ़ाव देखे आपने? ओके, तो वैसे तो मैंने पूरा डाला हुआ अपने यूट्यूब चैनल पर कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं मुंबई में आई थी जॉब करने के लिए, मैं सिर्फ 10 साल के जॉब करने के लिए आई थी, बट मुझे लोगों ने कहा कि मुझे ऑडिशन देना चाहिए, मुझे मॉडलिंग ट्राई करनी चाहिए, तो मैंने पहली बार जब अपना ऑडिशन ही दिया, आई वॉज डूइंग जस्ट अ फोटोशूट विद अ गाय एंड तब एक डायरेक्टर है टी सीरीज़ के, उन्होंने मुझे देखा लाइव सेशन में कि हाँ दिस गर्ल, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऑडिशन के लिए आओ, और अगले दिन मेरा ऑडिशन था और मैंने पहला गाना किया मिक्का सिंह के साथ बॉलीवुड मूवी के लिए, संता बंता मूवी के लिए, और मैंने ऑडिशन दिया 4 बजे, मैंने उन्होंने मुझसे कहा कि आपको डांस करना आता है, लाइक क्या आई कैन डांस, पंजाबियों को डांस आता है, पंजाबी हूँ तो मैं डांस तो आता ही है, तो डांस किया और अगले दिन मैं 4 बजे शूट पे थी और मैंने ऐसे करके अपना पहला गाना शूट किया, और उसके बाद अभी तक आई हैव डन मोर देन 100 सॉन्ग्स टिल नाउ। लुधियाना, मैं लुधियाना वैसे पहले भी आ चुकी हूँ और मुझे लुधियाना बहुत, एक्चुअली मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है लुधियाना की, मैंने बीच में भी एक शूट भी किया था किसी का ब्राइडल वेयर, उनके वो भी यहीं के हैं लुधियाना के, तो मुझे पता चला लुधियाना में लोगों को गाड़ियों का बहुत शौक़ है, तो कहते पूरे पंजाब में कहीं गाड़ियाँ हैं तो लुधियाना में, और मुझे भी गाड़ियों का बहुत शौक़ है, मुझे भी कभी भी आपने देखा होगा मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करती हूँ, मैंने आज तक कभी ड्राइवर रखा नहीं है, तो मुझे लगता है लुधियाना का नाम एक तो गाड़ियों के नाम से बहुत फेमस है, प्लस मैं सुना यहाँ का खाना भी बहुत फेमस है, और पूरे कहते हैं पंजाब में सबसे ज़्यादा अमीर लोग यहाँ रहते हैं, अगर ऐसा है तो मुझे प्लीज़ बताओ, मैं यहाँ पे ज़्यादा आती रहूँगी, और बट यहाँ पे बहुत लुधियाना बहुत आगे बढ़ चुका है, तो आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। आप जो खिलाओगे बताओ क्या फेमस क्या है यहाँ का, मैं खा के जाऊंगी, मैंने कुछ खाया नहीं सुबह से, मैं कुछ खा के जाऊंगी, आप बताओ क्या खाना चाहिए मुझे, आप बताओ मैम क्या आपको, मैं वेजिटेरियन, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन में क्या मिलेगा जी? पहले आप लुधियाना आए हो तो क्या अच्छा लगा? मैंने यहाँ की मिठाइयाँ बड़ी खाई है, मैं मीठा कम खाती हूँ, बट पंजाब में आके ना पिन्नियाँ होती है, दैट इज वेरी हेल्दी ऑल्सो, और मीठा भी अच्छा होता है, मुझे लगता है पिन्नियाँ ट्राई करूँगी, आज पिन्नियाँ ट्राई करके, हाँ जी लेके भी जाऊँगी मुंबई, ठीक है।